Assalamualaikum, dear viewer, this is lecturer Imran with I am chemist और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे biology HSSC part 1 की that was conducted today, it means dated 5th of August 2021. So let's start our video. The first MCQ is pacemaker of human heart is in a pacemaker जो है ठीक है human heart का that is in. So option number D is correct. Next MCQ is macrophages are derived from. अगर हम macrophages की बात करते हैं so they are basically derived from monocytes. So option number C is correct. और ये जो MCQ है ये आपको मिलेगा आपकी बुक के पेज नंबर 319 पे. ठीक है, जो फर्स्ट MCQ है that is present on page number 294 of your book. Next MCQ is MCQ number 3rd. Sticky gel like magnesium, calcium salt and pectin are present in. अगर हम इनकी बात करते हैं सो दे आर प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए दैट इज मिडल लैमेला. और ये आपकी बुक के पेज नंबर 13 एंड 14 पे प्रेजेंट है. एमसीक्यू नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें जो इसका राइट ऑप्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, इट मींस ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, और ये जो है आपकी बुक में प्रेजेंट है पेज नंबर 18 पे. आप देखोगे वहां पे जो बाकी ऑप्शंस हैं लाइक स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स लिखा हुआ है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये नहीं लिखा हुआ है. इट मींस इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ एसईडी. एमसीक्यूज नंबर 5, द एग्जांपल ऑफ हेट्रोपोलीसेकेराइडिस. अब इसमें से आप लोगों ने बताना है कि हेट्रोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल कौन सा है. सो दैट एमसीक्यू इज प्रेजेंट एट पेज नंबर 49 ऑफ योर बुक. And the right option is pectin. Next, MCQ number 6, the inorganic detachable cofactor of enzyme is. अब ये enzyme का जो topic है, वहाँ से इस question को pick किया गया है. That is present at page number 74. और the right option for this is activator. So option number C is correct. MCQ number 7, the termination of lysogenic state of a bacterium when exposed to adverse condition is called. ठीक है, इसका जो हमारे पास right option है that is option number B, virulent. So option number B is the correct one. MCQ number 8, in human immunodeficiency virus, glycoprotein 120 helps. अब जो आपके पास HIV वायरस है ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स का बेसिक फंक्शन क्या है, ये किस चीज में हेल्प करता है, दैट इज एक्चुअली यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ होस्ट सेल, दैट इज प्रेजेंट एट पेज नंबर 125 ऑफ योर बुक. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. देन यू हैव एमसीक्यू नंबर 9, विच सेज दैट एलजी हैविंग ब्लेड्स टाइप एंड होल्ड फास्ट बिलोंग टू. अब वो कौन सी एलजी है जिसके ब्लेड्स भी हों, जिसका स्टाइप भी होता है, जिसका होल्ड फास्ट भी होता है. इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ब्राउन एलजी. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. एमसीक्यू नंबर 10, वाटर मोल्ड्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप. वेरियस ऑप्शंस आर गिवन बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओमाइकोटा. दैट इज प्रेजेंट एट 171 ऑफ योर बुक. MCQ number 11, all of the following are present in embryo sac except. अब इसमें जो right option है that is option number C, that is generative nucleus. ठीक है, generative nucleus जो है embryo sac के अंदर present नहीं होता. Rest other options that are given in the MCQs are present in the embryo sac. MCQ number 12, regeneration does not occur in. रीजनरेशन किस चीज के अंदर नहीं होती है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये नहीं होती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन दैट इज इकाइनोडर्मेटा. इनके अंदर रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज फोर चैम्बर्ड हर्ट. आपसे पूछ रहा है, वेरियस ऑप्शंस आर गिवन लाइक टोड, लेजर्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल. सो द राइट ऑप्शन इज क्रोकोडाइल, ऑप्शन नंबर सी. MCQ number 14, promotion of flowering by exposure of low temperature is called. अब इसका जो हमारे पास right option है, that is present at page number 267 of your book,
और इसको हम लोग कहते हैं कि राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी वर्नलाइजेशन। एमसीक्यू नंबर 15, द टीथ इन द ओरल कैविटी यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड। ठीक है, आपके दांत जो है उसमें कौन से ऐसे दांत हैं जिनको हम फूड को टीयर करने के लिए यूज करते हैं। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी कैनाइंस। एमसीक्यू नंबर 16, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl इन स्टमक इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश सेल ऑफ द मस्कुलरिस। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, चीफ, एंडोक्राइन, म्यूकस, पेरिटियल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज पेरिटियल। ठीक है, यह आपको मिलेगा आपकी बुक के पेज नंबर 318 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 14 आपको मिलेगा 267 के ऊपर। लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 17, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। अब इसके अंदर तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस हैं, फोर्थ वन ऐसा है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है। सो ये आपको मिलेगा आपके बुक के पेज नंबर 279 और 280 पे। सो द राइट ऑप्शन इज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रीन। ठीक है, जो सेक्रीशन है गैस्ट्रीन की, ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन नहीं कर सकता, बल्कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन कर सकता है। वाइल अदर ऑप्शंस लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोटिन, सेक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो डियर व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट बायोलॉजी पेपर दैट वाज कंडक्टेड टुडे। आई होप सो कि आपने अपना पेपर अच्छा किया होगा। अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।